हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त शहबाज, राज सफर में आपका स्वागत है। आज मैं डोभी पार्क का वीडियो बनाने आया हूं। ये NH2 है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली से कोलकाता को जाती है। इसी के बगल में ये शेरघाटी और डोभी के बीच में ये हमारा पार्क है, ये बुद्ध वाटिका पार्क। यहाँ पे आप आते हैं तो आपका यहाँ पे सारी ये देखिए टिकट का रेट वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें टाइमिंग भी लिखा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह। 20 रूपये हम लोग का जेंट्स का यानी एडल्ट का टिकट लगता है, उसके बाद अब अंदर आते हैं। तो ये ऑफिस वगैरह जो देख रहे हैं, ये टिकट काउंटर है, मैनेजमेंट की ऑफिस अभी यही है फिलहाल। पीछे भी मैनेजमेंट की ऑफिस है, मगर ये उसके बाद आप इधर आते हैं बच्चों का सेक्शन में। ये है हमारे बच्चों का सेक्शन। सबसे यहाँ का अट्रैक्टिव पार्ट जो है ना यही है, और कुछ भी नहीं है। बच्चे एक्चुअल इसी के लिए जीत करते हैं कि हाँ मुझे चलना है। यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह ये सब जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। और इसकी सबसे खराबी ये है कि जिस दिन आपका होली डे होगा ना, कोई भी त्यौहार हो, उस दिन यहां भी बंद रहता है। इसका ख्याल रखें आप अक्सर, नहीं तो अक्सर ज्यादातर फैमिली होली डे के मौके पे घूमना चाहती है और उसी दिन ये बंद होता है। ये यहां पे नेगेटिव है। अगर मैनेजमेंट मेरी वीडियो देखे या सुने किसी तरह से भी, तो इस पे सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि होली डे के दिन ही सबसे ज्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं। यहां पे बड़ों के लिए नहीं, बड़ों के लिए सिर्फ झूला था, बच्चों के लिए है यहां पे। उसके बाद ये जमीन जो है ओरिस की जमीन है, इसको 5 सितंबर 2016 को इनॉग्रेशन किया गया था, तब के तत्कालिक प्रधान नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। यहाँ पे आप आते हैं तो ये घूमने फिरने की बहुत सारी चीजें हैं, यानी घूम के थकने की चीजें आप कहें तो। यहाँ पे आकर के घूमे, पिकनिक मनाए। उधर से आप जब आते हैं तो इधर देखिए हिरन है, ये दो है, एक बाहर में घूमते फिरते रहता है, उससे किसी को खतरा नहीं है इसलिए वो खुले में घूमता है, मगर ये थोड़ा सा बदमाश है और इसका सींग भी है तो ये रिस्की हो सकता है, इसलिए इसको अंदर बंद करके रख दिया गया है। यहां से आते हैं तो देखिए ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, सामने शेड जो देख रहे हैं, ये बोर्ड जो दिख रहा है, ये सारी चीजें लिखी हुई है कि इधर क्या है, मगर ये सब पुराना हो चुका है। शेड वगैरह जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब पुराना, मतलब 2016 का, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मगर यहां मेंटेनेंस नहीं है, उसका रीजन है। यानी कि ये अंधा में काना राजा है ये पार्क, औरंगाबाद गया और झारखंड का चतरा डिस्ट्रिक्ट, इसके बीच में कोई पार्क नहीं, इसलिए यही एक पार्क है, एकलौता पार्क हमारे इलाके का। फिर भी यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं, मगर मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं है। पानी तो खैर मिल जाएगा, मगर ठंडा वगैरह आपको यहाँ ठंडा पानी नहीं मिलेगा। यहाँ आते हैं तो अंदर कैंटीन वगैरह लिखा है, मगर कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है, इसका ख्याल रखेंगे आप। पानी वगैरह आप पीना चाहते हैं तो लेकर के आए बोतल वगैरह, कैंटीन खाना पीने की चीजें आप लेके आ सकते हैं, मगर एक ड्रामा यहाँ ये है कि आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा पहले। अभी तो पता नहीं, अभी मैं ट्राई नहीं किया, मगर पहले कुछ भी लेकर के आएंगे तो गेट पे चेक करता है, अंदर लेके जाने नहीं देगा। इधर आए तो इधर जंगल वगैरह है, इधर झाड़ी है, थोड़ा सा सतर्क भी रहे, झाड़ी वगैरह में अगर बैठना चाहते हैं तो सांप वगैरह का खतरा हो सकता है। सबसे खूबसूरत चीज है इधर का ये तालाब। तालाब में आते हैं तो यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तालाब आने के लिए आपको जब एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में यानी पश्चिम पड़ेगा, ये आपके लेफ्ट हैंड में पड़ेगा, उधर आएंगे तो ये तालाब मिलेगा, ये सेक्शन 100 छूट जाता है। यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी होती तो बहुत मजा आता, इसमें फिशिंग यानी फिश वगैरह भी होते तो दाना वगैरह खिलाने में थोड़ा सा अच्छा लगता। ये सब अट्रैक्शन का पार्ट है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तालाब बना दिया है, मगर ये सब चीजों से महरूम है ये पार्क। यहाँ फैमिली के साथ आएंगे तो आप पिकनिक वगैरह मना सकते हैं, अच्छा लगेगा। यानी यहाँ पे देखिए फैमिली है, ये पिकनिक मना रही है, उधर ही हिरन जो है वही घूम रहा है उनके साथ में, खेल रहा है, कूद रहा है। उसके बाद आप सेल्फी वगैरह ये सब तो आम सी बात है, मगर आप आएंगे तो थक जाएंगे, इसका स्पेस बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है। अब मैं अपनी वीडियो को इंक्लूड करता हूँ दोस्तों। ये अंदर का व्यू एक बार मैं आपको दिखा दूं, अंदर से ये कैसा दिखता है, ये मेन गेट है, ये बहुत खूबसूरत गेट लगता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।